शहरी गंदगी एक समस्या। राधनपुर शहर के डाकघर से बनास बैंक तक सड़क पर असहनीय गंदगी महामारी की आशंका। राधनपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों से मानसून के मौसम में क्षेत्र की सफाई नहीं होती है। पाटन जिले के राधनपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी के असहनीय ढेर के कारण गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है मानसून। उस समय शहर के डाकघर से बनास बैंक तक मुख्य सड़क पर फैली गंदगी से स्थानीय डाकघर और बैंक के काम पर आने वाले कर्मचारियों सहित क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। साथ ही चक्कर और स्कूल भी हैं। बच्चों और उनके अभिभावकों ने नगर पालिका के कामकाज का विरोध किया। शहर के डाकघर के सामने लंबे समय से सफाई नहीं हुई। नगर पालिका द्वारा शहर की सड़क पर गंदगी की परत चढ़ने के बाद भी नगर पालिका द्वारा लंबे समय से इसकी सफाई नहीं की गई है, जो असहनीय है। ऐसे में सार्वजनिक सड़क पर गंदगी के कारण अधिकारी सड़कों पर पड़ी गंदगी से निपटने को मजबूर है। एक तरफ नगर निगम प्रशासन शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की मांग कर रहा है, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर पालिका की सफाई शाखा इस क्षेत्र की गंदगी और बदबू को दूर करने में कारगर साबित हुई है। स्कूल जाने सहित नागरिकों में नगर पालिका व्यवस्था के खिलाफ इस क्षेत्र के अधिकारी आक्रोशित नजर आए और स्थानीय निवासियों और व्यापारियों राधनपुर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मानसून के दौरान शहर को स्वच्छ और नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए वास्तविक प्रयास करने की जोरदार मांग की गई है। और भिलवास में बहुत गंदगी है, नगर पालिका कुछ भी नहीं कर रही है। कानूनी संघ न्यूज के लिए गुजरात से रोहित मेहता की रिपोर्ट।